यमुनानगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं, कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी साथ में मौजूद रहेंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रैली स्थल पर कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो चुका है और आज विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश भी यहां पर करेगा। तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी साथ में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद हैं वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधा किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग भारी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो पंडाल में लोगों का पहुँचना लगातार जारी है और आपको बता दें कि आज बड़े कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है। एक शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ से किया जाएगा क्योंकि प्रदेश में एक साल बाद चुनाव होने हैं और हर जगह जाकर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील कुमार जुड़े हुए हैं। सुनील, जानकारी चाहेंगे और कितना इंतजार, कब तक यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचेंगे और कब तक इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी? जी अनु, आपको बता दूं कि 10 बजे का समय रखा गया था लेकिन अब जो है करीब 12 बज चुके हैं। अभी तक जो है सिर्फ अशोक अरोड़ा यहां पर स्टेज पर पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा स्टेज की। स्टेज पर अभी सिर्फ अशोक अरोड़ा पहुंचे थे कुछ देर पहले और आपको दूसरी तरफ जो है तस्वीरें दिखाना चाहूंगा यहाँ पर पंडाल में जो है लोग जो है पहुंच चुके हैं और अभी तक जो जितनी कुर्सियां लगाई गई हैं उस हिसाब से जो है लोग नहीं पहुंचे हैं। जिस तरह से 10 बजे का समय रखा गया था तो लोग यहां पर इक्का दुक्का अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर तस्वीरों में कुछ लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर उनमें कैसा उत्साह है। जैसे कि आज कैसा उत्साह है? बहुत उत्साह है। अब की बार बदलाव 2024 में बदलाव होना चाहिए। पहले 10 साल भी हुड्डा जो है मुख्यमंत्री रहे तो यहाँ पर यमुनानगर में कुछ विकास नहीं हुआ, उसके बारे में अब क्या मानते हैं आप? अब अगर हुड्डा बहुत विकास है, कोई विकास नहीं है जी। पहले विकास हुआ, बहुत विकास हुआ हुड्डा सरकार में। बीजेपी की सरकार जो है ये पेंशन भी नहीं आ रही और हमारी जो है गलियां भी नहीं बन रही, बहुत नुकसान हो रहा है और युवा को कोई रोजगार नहीं मिल रहा जो है, युवा बहुत पीछे हो गया अब। तो आपको बताऊं कि यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं हुड्डा को आज एक झलक देखने के लिए कहीं ना कहीं उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। और हालांकि आपको बता दें सुनील, जिस तरीके से लगातार विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जो है कांग्रेस हर बार करती है और इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी किया जाता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या लोग बदलाव चाहते हैं? क्योंकि लोगों का कहना है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, तो लोगों को और क्या कुछ कहना है इस रैली को लेकर? बिल्कुल, इस बारे में कुछ और लोगों से बातचीत भी करूंगा। जिस तरह से लोगों में कहीं ना कहीं जिस तरह से 9 साल से जो है बीजेपी और अभी जो है यहाँ पर गठबंधन की सरकार है और जैसे लोग जो है कुछ बदलाव चाहते हैं, तो आइए जो है कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अब जो है 9 साल से सूबे में जो है बीजेपी की सरकार है तो अब कैसा बदलाव चाहते हैं आप जो है आने वाले 2024 के चुनाव में कैसा बदलाव चाहते हैं? हम कांग्रेस का बदलाव चाहते हैं क्योंकि बीजेपी के राज में न तो रोजगार है और भ्रष्टाचार दुनिया भर का बढ़ गया और महंगाई चरम पे है, इसलिए बदलाव चाहता है, कांग्रेस लाना चाहता है। आपको उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सब? बिल्कुल उम्मीद है कांग्रेस की सरकार आएगी। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्यों आए आज रैली में, क्या करने पहुंचे हैं आज? उठे रैली में सुनील, एक और जानकारी चाहेंगे, एक और जानकारी चाहेंगे आपसे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ और कौन कौन विधायक जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे इस कार्यक्रम में? तो तस्वीरें सीधा आप यमुनानगर से देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस आज विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इस रैली के जरिए जो है कांग्रेस यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि
सीधा सीधा सत्ता पक्ष पर भी निशाना यहां से साधा जाएगा। हमारे सहयोगी सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, जानकारी चाहेंगे यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ और कौन कौन से विधायक जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये आपको बता दूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा यहाँ पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष हरियाणा के उदय भान और इसके अलावा रादौर से विधायक बीएल सैनी और अन्य यहाँ के जो नेता हैं कांग्रेस के वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से अशोक अरोड़ा को जिला प्रभारी बनाया गया है, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कहीं ना कहीं जिस तरह बात सामने आती है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी है, उन्होंने जो है लगातार सभी कांग्रेसी नेताओं से संपर्क किया है और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि सभी कांग्रेसी नेता गुटबाजी को छोड़ते हुए विपक्ष आपके समक्ष जो रैली है यमुनानगर में आज रखी गई है इसमें जो है जरूर पहुंचेंगे। जिस तरह से कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में अब जो है किसी तरह की गुटबाजी नहीं है और यमुनानगर में सभी नेता इकट्ठे होंगे और यहाँ पर सभी अपने समर्थकों को भी लेकर पहुंचेंगे। जी, सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो अनाज मंडी में जहां पर कार्यक्रम है, अनाज मंडी के बाहर जो है दोनों गेटों पर जो है नाके लगाए गए हैं। इसके अलावा कई जगह पर शहर में भी नाके लगाए गए हैं। पुलिस जो है पूरे पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं, सभी जो है चौकसियां बरती जा रही हैं। हालांकि अभी तक जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा यहां पर नहीं पहुंचे हैं, अशोक अरोड़ा जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है। मंडी में भी सभी जगह पर करीब करीब 500 जो है यमुनानगर में आज जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं इस रैली को लेकर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए आपका। नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।